जी के लोग हैं, हमको मालूम है 10 फुट जगह माँ कृपा का दबाया है, रोड कटिंग का जगह गया। माँ कृपा आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जब भी रीडेवलपमेंट में जाएगा, इसको 0 बेनिफिट मिलेगा। रीडेवलपमेंट में उसका सेल कंपोनेंट का कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जगह दबा के बैठे हैं, बाउंड्री मार के लिया। हमने डेवलपर से बात किया, माँ कृपा का जगह तुम्हारा बाउंड्री का आगे का काम पूरा होने के बाद माँ कृपा को बाउंड्री बना के देने का, बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन करके देने का, उनका डिमार्केशन के हिसाब से करके देने का और 8 फुट का जगह माँ कृपा को हैंड ओवर करने का, तब जा करके उनका बनेगा। और ये बात भी उन्होंने कबूल किया है। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि कोई भी मंदिर के बदले मंदिर मिलेगा, जो शेड पात्र करके आएंगे तो उनको शेड भी बना करके शेड की भी जगह का एसआरए में जगह दिलाएंगे, लेकिन पात्रता करके लेना पड़ेगा। जो अपना मंदिर भी पात्र नहीं करा सके, जो मंदिर के नाम पर केवल व्यवसाय करते, मुझे माफ़ करना, मैं भी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आज भी हूँ, कल भी था और कल भी रहूँगा। मैं विश्व हिंदू परिषद को और बजरंग दल को मानता हूँ। राम अयोध्या के राम मंदिर के बाबरी ढांचे को तोड़ते समय मैं और हमारे सांसद जी दोनों वहाँ पर उपस्थित थे, इतना कड़वा हिंदुत्व हमारे अंदर है। लेकिन इस प्रकार का धंधा, जब यहाँ पर मंदिर तोड़ने के ऑर्डर हाईकोर्ट में गए, पहले हाई पावर कमेटी में हार गए मंदिर के लोग, उसके बाद हाई कोर्ट में मंदिर के लोग हार गए, फिर सिटी सिविल कोर्ट में हार गए, मेरे पास मिलने के लिए आए। मैंने उनको कहा कि इसका रास्ता करेंगे, बैठ करके आपका नुकसान नहीं होने देंगे, डेवलपर को जितना दबाना पड़ेगा, जितना परेशान करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन आप उसके साथ बैठने का तैयारी करो। उनका एक ही बात था, शेड का जगह मिलना चाहिए, बाहर का जगह मिलना चाहिए, होटले के बाहर का जगह मिलना चाहिए, रोड के ऊपर का जगह मिलना चाहिए। शेडवेक का रोड छोड़ना, म्यूनसिपल मार्केट का रिजर्वेशन करना, उसके बाद 158 लोगों को घर बना कर देना, कौन सा बिल्डर सेल का बिल्डिंग बनाने को यहाँ आएगा, कैसे आएगा? तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के इस प्रकार का जिन्होंने भी वीडियो बनाया है उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए, जिसने भी बनाया है।